नमस्कार, ज्ञान गाथा में आपका फिर से स्वागत है। इस चैनल पर हम सनातन धर्म से जुड़ी कुछ रोचक और अद्भुत जानकारी प्रस्तुत करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और सनातन धर्म को प्रवाहित करें। आजकल बड़ी संख्या में समाज में मानसिक विकार बढ़ रहे हैं। डिप्रेशन और चिंता के अलावा मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों में आघात यानी ट्रॉमा, सीमा रेखा व्यक्तित्व विकार यानी बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, शिजोफ्रेनिया, व्यवहार विकार, मादक द्रव्यों के सेवन और खाने के विकार इत्यादि जैसे सभी समस्याओं को मनोवैज्ञानिक विकारों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मगर क्या आप जानते हैं कि इन सभी विकारों का निदान गर्भ से ही किया जा सकता है? शिशु को बाहरी जीवन के लिए तैयार करने हेतु हिंदू शास्त्र हमें गर्भ संस्कार की प्रक्रिया बताता है। आइए ज्ञान गाथा के आज के भाग में हम गर्भ संस्कार के महत्व को जानें। संस्कृत में गर्भ शब्द का अर्थ है गर्भ में भ्रूण या फीटस और संस्कार का अर्थ है मन की शिक्षा। शिशु के साथ एक माँ का बंधन गर्भ धारण के समय से ही शुरू हो जाता है। शिशु माँ की बात सुनता है और गर्भ में विकसित होने के दौरान माँ की भावनाओं को अच्छे से महसूस करता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम गर्भवती महिला और गर्भ में पल रहे शिशु को सकारात्मक विचार, सकारात्मक ऊर्जाएं और भावनाएं प्रदान करें। विवाह के समय से लेकर गर्भधान तक माता पिता और गुरु द्वारा अपने पुत्र या पुत्री पर किए गए वैदिक अनुष्ठान को हम संस्कार कहते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वे संतुलित और सात्विक क्रियाएं कर सके। ऐसे 16 महत्वपूर्ण संस्कार हैं जिनमें से केवल 3 ही शिशु के जन्म से पहले किए जाते हैं। एक संस्कार गर्भधारणा से पूर्व किया जाता है जिसे हम गर्भधान ऋतु शांति कहते हैं और 2 संस्कार गर्भधान के बाद किए जाते हैं जिन्हें हम पुंसवन संस्कार और सीमांतोन्नयन कहते हैं। आज हम गर्भाधान के बाद के इन्हीं 2 संस्कारों के बारे में जानेंगे। आइए समझते हैं पुंसवन संस्कार को। पुंसवन संस्कार एक हृष्टपुष्ट संतान के लिए किया जाने वाला संस्कार है। कहते हैं कि जिस कर्म से वह गर्भस्थ जीव पुरुष बनता है वही पुंसवन संस्कार है। शास्त्रों अनुसार 4 महीने तक गर्भ का लिंग भेद नहीं होता, इसलिए लड़का या लड़की के चिन्ह की उत्पत्ति से पूर्व ही इस संस्कार को किया जाता है। 16 संस्कारों में से 3रा संस्कार है सीमांतोन्नयन। यह पुंसवन संस्कार के बाद आता है। सीमांतोन्नयन संस्कार को 6 से 8 माह के बीच में किया जाता है, जब शिशु का ज्यादातर विकास हो चुका होता है तथा उसमें सोचने व समझने की क्षमता विकसित हो जाती है। ऐसे समय में वह शिशु गर्भ में अपनी माँ के भावों, उसकी क्रियाओं, बातों इत्यादि को सुन सकता है तथा उन पर अपने भाव भी प्रकट कर सकता है। इसलिए इस समय सीमांतोन्नयन संस्कार किया जाना उचित माना गया है ताकि गर्भ में ही शिशु को संस्कार दिए जा सके और उसमें बुद्धि का विकास किया जा सके। आयुर्वेदिक गर्भ संस्कार गर्भवती माँ को ध्यान में रखने के लिए कुछ दिशा निर्देश भी सुझाता है और वे कुछ इस प्रकार हैं। पहला, स्वस्थ आहार की आदतें। आयुर्वेद के अनुसार आहार रस, जो पोषण या माँ के आहार से प्राप्त ऊर्जा है, इस रस को या इस माँ के पोषण को बच्चे की वृद्धि और स्तन के दूध के निर्माण की तैयारी में यह मदद करता है। गर्भावस्था में खाद्य पदार्थों में कैल्शियम, फॉलिक एसिड और आयरन की संतुलित मात्रा होनी चाहिए। दूसरा निर्देश यह है कि सकारात्मक सोच रखना अति आवश्यक है। गर्भावस्था अक्सर माँ को चिड़चिड़ा बना देता है। गर्भ संस्कार माँ को अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने में मदद करता है, जो उसके और बच्चे दोनों के लिए बहुत अच्छा है। इसी दौरान योग का अभ्यास या हल्का व्यायाम भी बताया जाता है।
गर्भ संस्कार, गर्भवती महिला और बच्चे दोनों की शारीरिक भलाई के लिए हल्का व्यायाम या योग करने की सलाह देता है। ध्यान। ध्यान गर्भ संस्कार का एक महत्वपूर्ण पहलू है और शरीर के लिए फायदेमंद है क्योंकि यह मन को तनाव मुक्त करता है। ध्यान के समय शून्य अवस्था में जाने से शिशु में शांति और एकाग्रता बढ़ती है। गर्भावस्था के दौरान हर्बल घी का सेवन भी सामान्य रूप से किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार गर्भावस्था के चौथे, पांचवें, सातवें, आठवें और नौवें महीने में गाय के दूध से बने औषधीय घी की सलाह दी जाती है। यह शिशु के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए फायदेमंद माना जाता है और भ्रूण में जन्मजात असामान्यताओं को रोकने में भी मदद कर सकता है। जन्म पूर्व किए जाने वाले ये संस्कार हमारे इतिहास से भी मेल खाते हैं। उदाहरण के लिए अभिमन्यु की कहानी महाभारत में प्रसिद्ध है। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करना तब सीखा था जब वह अपनी माँ के गर्भ में था। एक और कहानी भक्त प्रह्लाद की है। जब प्रह्लाद की माँ रानी कयाधु उनके साथ गर्भवती थी तो वह नारद मुनि के भक्ति गीत और वचन सुनती थी। इसलिए भले ही प्रह्लाद ने एक असुर परिवार में जन्म लिया, लेकिन वह भगवान विष्णु का भक्त बन गया। अष्टवक्र की कहानी भी हमें गर्भ संस्कार के बारे में बताती है। अष्टवक्र के पिता कहोला एक महान ऋषि थे। वे प्रतिदिन वेदों का पाठ करते थे और बड़े बड़े यज्ञ करते थे। एक बार जब उनकी पत्नी सुजाता गर्भवती थी, कहोला ऋषि ने वेदों के कुछ श्लोकों का गलत उच्चारण किया। सुजाता के गर्भ में बच्चे ने अपने पिता को ठीक किया और कहोला इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने अपने अजन्मे बेटे को उसके शरीर के 8 मोड़ के साथ पैदा होने का शाप दिया। अष्टवक्र के रूप में पैदा हुआ शिशु अपनी माँ के गर्भ में ही वेदों के ज्ञान को आत्मसात करने और चिंतन करने के कारण ब्रह्म ऋषि बन गया। वह राजा जनक के गुरु थे। माँ के गर्भ में शिशु को तैयार करने की अवधारणा केवल भारतीय परंपराओं तक ही सीमित नहीं है। दुनिया की हर संस्कृति में गर्भवती माताओं के लिए सलाह के शब्द हैं, क्योंकि यह ज्ञात है कि अजन्मा शिशु न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी गर्भ में ही बढ़ता है। एक शोध के अनुसार गर्भवती यहूदी या जूश माताएं यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ ऐसे अनोखे कदम उठाती हैं कि यहूदी जाति दुनिया की सबसे बुद्धिमान जाति में बनी रहे। शोध के अनुसार गर्भवती यहूदी माताएं अपनी गर्भावस्था के दौरान हमेशा गणित की समस्याओं को हल करती हैं। वे पियानो या वायलिन जैसे संगीत वाद्य यंत्र भी बजाती हैं, विशेष रूप से शास्त्रीय संगीत, क्योंकि यह अजन्मे बच्चे में भी मस्तिष्क को सक्रिय करता है। उनके भोजन में प्रोटीन युक्त बादाम, खजूर और दूध शामिल होते हैं और भोजन से पहले फल का सेवन अनिवार्य होता है। ऐसी महिलाएं मांस, शराब तथा सिगरेट से संपूर्ण परहेज करती हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि यहूदी लोगों की तरह हमें भी सनातन धर्म की बहुत पुरानी और वैज्ञानिक शिक्षाओं और परंपराओं का पालन करना चाहिए? आज का हमारा ये भाग कैसा लगा, कृपया कमेंट करके हमसे अवश्य बताएं। आज के लिए बस इतना ही। हम ज्ञान गाथा के हर भाग में आपके लिए ऐसे ही और भी कई रोचक तथ्य और जानकारी अवश्य लेकर आएंगे। कृपया अपने प्यार और प्रशंसा को दिखाने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे प्रत्येक नए वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। ज्ञान गाथा से जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद और नमस्कार।